हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और जैसे कि आपको मालूम होगा, मेरे कमेंट बॉक्स पर बहुत सारी मम्मीज़ के कमेंट आ रही है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, बच्चे को कैसे एंटरटेन करें, बच्चे लोग दिन भर टीवी मोबाइल छोड़ के कहीं जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो गया है, तो उसे सोल्व करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसी 5 टिप्स लेके आई हूँ जैसे जो आपके बच्चे करेंगे तो वो उनकी टाइम स्पेंड हो जाएगी और मेनली बात ये है कि वो मोबाइल और टीवी को तो टच भी नहीं करेंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल पे और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को तो बहुत मज़ा आने वाला है, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन सामानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, वो पूरी सामान आपके किचन में अवेलेबल रहेंगी। सो घबराने की कोई बात नहीं है और बेझिझक अपने बच्चे को ये सब एंटरटेन होने दीजिए और उन्हें बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पहली एक्टिविटी के बारे में। मैंने यहाँ पे 3 थ्रेड लिए हैं। आपके पास अगर ज़्यादा कलर है तो आप ज़्यादा कलर यूज़ करें, आप जितना कलर ऐड करेंगे इतना ही अच्छा बनेगा। कलर में आपको इस तरीके से डिप कर लेना है। आपके पास जितना थ्रेड है सबको अलग अलग कलर दे दीजिए और उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे हम पेपर पे प्लेस कर लेंगे। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। आप जितना ज़्यादा कलर इस पर ऐड करेंगे इसी तरह उतना ही सुंदर और बनेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पेपर दिख रहा है आपको उसे फोल्ड कर देना है। आपको जो नीचे 3 थ्रेड दिख रहा है इसे हमें खींचना है, धीरे धीरे करके हिलाते हुए खींचना है ताकि इसका इम्प्रेशन पेपर के दोनों साइड आए। इस एक्टिविटी को अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर करिए। हमने ये पूरा थ्रेड निकाल दिया है, अब इसका रिज़ल्ट देखिए आप देख पा रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। अब इसके बाद हम इसे कट कर देंगे, ये एक लवली कार्ड बन गया। बर्थडे हो या शादी, सब में ये इनविटेशन कार्ड आप दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टॉपिक के बारे में। ये आप एक सिंपल सा फ्लावर बना लीजिए और अपने बच्चों को कहे कि थंब पेंट करे। इसे करने से क्या होता है ना, बच्चों का फिंगर प्लेसिंग में या फिर जो भी इशू होता है वो ठीक रहता है। वैसे तो बच्चों को पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, सो आप इसी तरीके से दे सकते हैं ताकि उनका मन भी लगा रहे। आप चाहे तो इस तरीके से ही बनवा सकते हैं, ये अच्छा खासा थंब इंप्रेशन। ये देखिए मैंने अपने बच्चे के साथ किया है। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने बच्चों के साथ ये कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग शेप बना दीजिए और उस शेप में आप ग्लू यूज़ करिए। उसके बाद अपने बच्चों को बोलिए कि पेपर टियर करके इसमें चिपकाए। ये वाली जो ड्राइंग है ये मेरी बेटी ने किया है, मैंने भी थोड़ी बहुत उसे मदद की है। पेपर को टियर करके उसने पूरे बैलून पे चिपका दिया। अब हम बात करते हैं चौथी टॉपिक के बारे में, वो है पोटैटो प्रिंटिंग। इस तरीके से आप एक पोटैटो को 2 पीस में कट कर दीजिए और उसमें कई अलग अलग डिज़ाइन के इसमें होल बना दीजिए। ये काम तो मेनली आपको ही करना है, बच्चे को नहीं देना है। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर इसका फल मीठा हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख पा रहे हैं मैंने अलग अलग साइज़ की ये पोटैटो कट कर लिया है। अब मैं इसमें पेंट कर दूँगी। मेनली ये पेंटिंग आप अपने बच्चे को करने दें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे को कलर करने में या फिर पेंट करने में बहुत मज़ा आता है और पेपर में चिपकाने में तो डबल मज़ा आता है उन्हें। इसमें मैंने अलग अलग कलर्स कर लिए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपके पास ज़्यादा कलर है तो ज़्यादा कलर यूज़ करें इस फ्लावर को बनाने में, और भी कलरफुल दिखेगा। ये देखिए द शेप्स कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास भिंडी प्याज वगैरह जो भी है उसमें कलर करके आप इसमें चिपका के बनाइए, बहुत सुंदर फूल बनेगा, और वो भी आपके किचन के सामानों से, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। है ना कितनी इंटरेस्टिंग दोस्तों। ये देखिए इसे बनाने का रिज़ल्ट कितना सुपर लग रहा है ना।
ये वाली तो बच्चों को बहुत एंटरटेन करने वाली है। ये सब ड्राइंग को देखकर टीवी और मोबाइल तो पीछे जाने वाली है। एंड लास्टली मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो पेंसिल है ना, जब हम शार्प करते हैं तो ये छिलके निकलते हैं ना, उससे हम अच्छी तरह से फूल बना सकते हैं। सो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना दोस्तों। तो इन पांचों एक्टिविटीज़ में से आपको कौन सा अच्छा लगा होगा और आप अपने बच्चे के साथ कौन सा एक्टिविटी करना चाहते हैं, कौन सा उसके साथ करवाना चाहते हैं, कौन सा हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताएं और मेरा इंतज़ार रहेगा आप लोग का ये कमेंट्स के लिए। एंड लास्टली दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।